हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बजाज पल्सर NH 200 के बारे में, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है कि अब NH 200 अपडेट होकर आएगी, बट फिलहाल अभी तक ये बाइक अपडेट होकर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब दोस्तों 110% ये बाइक अपडेट होकर आने वाली है। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले कि बजाज अपनी NH 200 में क्या क्या चेंजेस कर सकता है, बाइक का क्या प्राइस बढ़ेगा और बाइक कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NH 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, लॉन्च डेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिलहाल अभी तक बाइक की बताता हूँ आपको, अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है कंपनी की तरफ से, लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऑफिशियल मतलब न्यूज़ कंपनीज का कहना है कि आने वाले 2023 के अप्रैल से मार्च महीने में आपको NH 200 का जो अपडेट वाला मॉडल है वो इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों चेंजेस के बारे में कि बजाज इस बाइक में क्या क्या चेंजेस करेगा। देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि NH 200 में जो सबसे पहला चेंज होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। अब स्पीडोमीटर में ऐसा दोस्तों कि आज भी आप लोगों को बाइक में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नई वाली NH 200 रहेगी उसमें भी आप लोगों को एनालॉग विद डिजिटल मीटर ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये है कि स्पीडोमीटर में अपडेट ज़रूर लाया जाएगा। अब अपडेट में क्या क्या अपडेट लाया जा सकता है, जैसे कि आपको बताऊं दोस्तों NH 200 में जो सबसे पहला अपडेट होने वाला है वो होने वाला है बाइक का गियर इंडिकेटर। NH 200 में अभी तक फिलहाल गियर इंडिकेटर नहीं आता, लेकिन अब नई वाली आप लोगों को NS में गियर इंडिकेटर जरूर देखने को मिलेगा। और डिस्टेंस टू जो MT इंडिकेटर है वो भी बजाज अपडेट कर सकता है, ये बाइक का सबसे पहला अपडेट है। बात कर ली दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक की लाइट्स। अब आपको पता है कि भैया इंडियन मार्केट में जितनी भी बाइक आ रही है सभी बाइक ऑलमोस्ट आप लोगों को LED लाइट्स के साथ में देखने को मिलती है, और अपनी एक जो NS है एक लौती ऐसी बाइक है जो आज भी आप लोगों को हैलोजन लाइट के साथ में देखने को मिलती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भी कितनी बेकार चीज़ है, और आपकी बात से बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो नई वाली NS आएगी उसमें आपको 110% जो है LED लाइट देखने को मिलेगा। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, और LED लाइट आपको बाइक में 110% मिलने वाली है। बात करें नंबर 3 अपडेट के बारे में, नंबर 3 अपडेट में आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इस बाइक में अब आपको मिलने वाला है डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अभी तक फिलहाल NH 200 में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, बजाज ने अभी तक बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया है, लेकिन नई वाली NH 200 में आप लोगों को 110% LED लाइट देखने को मिलेगा, हालांकि डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें तो है दोस्तों इस बाइक का इंजन को लेकर। अब इंजन को लेकर ऐसा है दोस्तों आपको बता दूं कि बाइक में दोस्तों आप लोगों को इंजन में अभी तक फिलहाल स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता। कोई बात नहीं, स्लीपर क्लच नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बता दूं जो नई वाली NH 200 आएगी अपडेट होकर उसमें आपको 110% स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यामा ने अपनी MT15 RN5 सब में स्लीपर क्लच दिया हुआ है। तो बजाज वालों को भी भाई अब ये चीज़ समझना चाहिए और अपनी बाइक में थोड़ा सा अपडेट लाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने N160 लाई, N250 लाई, अच्छी बाइक लाई, बट आपको वो भी बाइक तो अपडेट करना चाहिए ना जो ऑलरेडी हमारी इमोशन है, तो उसमें भी आप लोगों को काम करना चाहिए। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक में सस्पेंशन। अब आपको पता है कि अभी तक आप लोगों को NH 200 में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और जब से NH 200 इंडियन मार्केट में आई तब से आज तक बाइक में कलर के अलावा कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो सस्पेंशन को लेकर यहाँ पे अभी सस्पेंस है कि क्या बजाज इसमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन देगा, इसके जो चांसेस है भाई वो मेरे हिसाब से थोड़े से कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर इसमें USD फॉक्स सस्पेंशन तो बाइक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि इसके जो चांसेस है वो बहुत भी है, पता 50-50 चांसेस है, क्योंकि बजाज भी जानता है कि इंडियन मार्केट में अभी जितनी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है सभी में अपसाइड डाउन सस्पेंशन आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे दोस्तों बजाज वालों को मेरे हिसाब से NH 200 में भी अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो देने चाहिए। बात कर लें नेक्स्ट अपडेट को लेकर दोस्तों, तो है बाइक का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन। अब ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी कंपनी जब अपने बाइक में कोई अपडेट लाती है तो नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में ज़रूर काम करती है। तो NH 200 में भी आपको नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन 110% देखने को मिलेगा। डिज़ाइन को लेकर कह नहीं सकते अभी कि डिज़ाइन में बजाज कोई काम करेगा, लेकिन हाँ नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में ज़रूर ये लोग काम
करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में। ऑब्वियसली बात है, अपडेट आएगा तो बाइक का प्राइस भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों NH200 का जो प्राइस है वो शुरू में 5,000 से 7,000 रुपये के आसपास का पड़ सकता है। जैसे कि अभी 1,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, तो नई वाली आप लोगों को मेरे हिसाब से एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,45,000 से 1,47,000, 1,47,000 रुपये के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं दोस्तों आप कब तक आती है और क्या प्राइस में आती है। उम्मीद करते हैं आपके छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।